हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवबिंद और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। आपका स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव डन और उसके एक एग्जांपल्स हमने आपको एक दो एग्जांपल देकर उसको बताया था कि कैसे इंटरोगेटिव बनाया जाता है, कैसे निगेटिव बनाया जाता है। तो वो चीज़ें हम लगभग हर टेंस में बताते हैं कैसे बनाना होता है। तो अब तक मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा कि किसी भी टेंस को कैसे निगेटिव में बदलते हैं, कैसे इंटरोगेटिव में बदलते हैं, कैसे इंटरोगेटिव को कैसे निगेटिव में बदलते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव कम्प्लीटेड एंड आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट इन टू निगेटिव एंड हाउ टू कन्वर्ट इन टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो वो सभी चीज़ें आपको पता हो गई हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट अब आगे से मूविंग अहेड आई वॉन्ट टू टेल समथिंग एल्स। मैं आपको कुछ बता दूँ आगे चलने से पहले, बिफोर गोइंग टू गेट इट, हम इसको करने से पहले ये कि अब हम लोग लगभग कई टेंस कर चुके हैं। तो आगे जितने भी एक्सरसाइज आएगा, जो प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें लास्ट के जितने टेंस होंगे उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। उसमें भी एक दो क्वेश्चन उसका भी लेके चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन में लेके चलेंगे, ताकि लगे हाथ करते समय आपको दिखाई पड़े हाँ ये भी ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू इट। तो सबसे पहला जो आपका हम हिंदी का कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोगों का एक नियम बन गया इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चाइना ने पहले झगड़े की शुरुआत की है, तो मतलब किया है, तो की है या किया है जो भी हो, चाइना ने पहले झगड़े की शुरुआत की। अभी हाल ही में जो हमारे जितने भी सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया था इंडियन और चाइना से, तो इसकी शुरुआत उन्होंने ही की है। तो ऐसा हमारे न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं या बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। चाइना ने पहले झगड़े की शुरुआत की है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपका प्रेजेंट है और जो चीज़ें हैं वो कर चुकी हैं, हो गई हैं, तो वो परफेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ये हो गया चाइना, और ये चाइना भाई एक ही देश है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हम करते हैं हैज, चाइना हैज स्टार्टेड क्या, शुरुआत करना का मतलब, स्टार्ट या इनिशिएट लिख सकते हैं, कमेंस लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब स्टार्ट ही करना होता है। चाइना हैज स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। चाइना हैज स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, चाइना ने पहले क्या किया है, चाइना जो हमारा झगड़े की जड़ थी वो क्या, चाइना ने सबसे पहले स्टार्ट किया। चाइना हैज स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, जो भी हाल ही में झगड़ा हुआ था वो उसको किसने स्टार्ट किया था, चाइना ने। तो चलिए अगर इसको हम निगेटिव बनाए, तो एज एग्जाम्पल हम हर वीडियोज में आपको, हर प्रैक्टिस सेशन में आपको कराते आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये नॉट लगा दें तो क्या हो जाता है आपका, चाइना हैज नॉट स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, ये हो जाएगा। ऐसा अगर हम बनाते तो वो गलत है, क्योंकि चाइना ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये होगा। तो हाँ, आप इसको इंटरोगेटिव में बना सकते हैं कि वाई, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला आता है, जो क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव बनता है कि चाइना ने क्यों स्टार्ट किया था या स्टार्ट किया, तो वो हम क्या करेंगे कि वाई, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, आपको हमेशा आपको दिमाग में रखना है वाई चाइना स्टार्टेड, ठीक, वाई चाइना स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, ठीक। तो ये चीज आपको, अब ये क्वेश्चन मार्क आपका आएगा, वाई है चाइना स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, उसने पहले क्यों शुरुआत की, तो ये चीजें हो गई। और दूसरा क्या है, देखिए कि हमारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, ठीक है, हमारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, तो ये क्या है, आर न्यूज चैनल और न्यूज चैनल्स, हमारे जितने न्यूज चैनल्स हैं वो क्या है, सभी बता रहे हैं, इसका मतलब ये प्लरल हो जाएगा, आर टेलिंग, ठीक है, हमारे न्यूज चैनल वाले ऐसा बता रहे हैं कि चाइना ने ये पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर के बाद देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला के रहा है, रही है, वो बता रहे हैं, ठीक है, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक, तो ये बता रहे हैं। फिर अगला जो देखते हैं, हम लोगों ने चाइना ऐप्स का बहिष्कार किया है, हम लोगों ने क्या किया, चाइना ऐप्स का बहिष्कार किया है, तो ठीक है, जो कठिन वर्ड से वो है बहिष्कार करना, बहिष्कार का मतलब होता है बायकट करना या एक्स कम्युनिकेट होता है, ठीक है, एक्स कम्युनिकेट का मतलब भी होता है बहिष्कार कर देना,
लेकिन उसका क्या मतलब होता है, वो किसी जात बिरादरी से जब निकाला जाता है तो एक्स कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब जो कम्युनिटी से बना है एक्स कम्युनिटी के, ठीक है, तो वो बनता है। लेकिन यहाँ पर बायकाट करना है, किसी चीज़ का हम बहिष्कार जब करते हैं तो बायकाट होता है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें हमने क्या देखा, किया है ये प्रेजेंट है और चीज़ें क्या है वो डन हो चुकी है, कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। तो हम क्या करेंगे कि वी यहाँ लोगों के लिए कुछ लिखे हैं ना, लिखे वो बात देखिए, ठीक है, कि वी अब क्या आएगा, हैव, चुकी है वी हमारा क्या है, प्लुरल है, वी हैव बायकॉटेड चाइनीज एप्स, वी हैव बायकॉटेड चाइनीज एप्स, ठीक। अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, यहां पर आप नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बायकॉटेड चाइनीज एप्स, कि हम लोगों ने चाइना का ऐप बहिष्कार नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या आपने किया है, अगर आप ये पूछें कि क्या आपने चाइना का बहिष्कार किया, तो वो क्या हो जाएगा, हैव यू अपोज्ड, ठीक है, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, हैव यू अपोज्ड चाइनीज एप्स, ठीक, हैव यू अपोज्ड चाइनीज, स्पष्ट नहीं है, यही वाला हम लिख देते हैं, चाइनीज एप्स, क्या आपने भी बहिष्कार किया है, तो आल्सो आप लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, टू भी लगा सकते हैं, हैव यू अपोज्ड चाइनीज एप्स, क्या आपने चाइना का ऐप का बहिष्कार किया है, तो ये हो गया। अगर नहीं किए हैं तो आप कह सकते हैं क्यों नहीं किए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके आप स्पीक कम्युनिकेशन में भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ध्यान दें। तो चलिए कुछ हम इंग्लिश वाला भी करते हैं, कैसे होगा वो, हम इंग्लिश वाला भी कुछ कर लेते हैं, हिंदी का हम लोग कर चुके हैं, मुझे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब इंग्लिश के कुछ दिए गए हैं और इसमें जो कोष्टक में है यही आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, उसी मेन वर्ब को हमको फिल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, ये टेंस आपका कौन सा है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म में सभी लगना है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें वर्ब नहीं दिया होगा, कौन सा वर्ब रखना है, तो इस तरीके से हम भरेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला है मिस्टर शर्मा हैज इन दिस हाउस, तो जो मेन वर्ब है वो है लिव, तो यहाँ पर जो इसका है वो क्या हो जाएगा, लिव का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हो जाएगा लिव, ठीक है, ये सर दिख रहा है रेड वाला ना, हाँ जी, ठीक। तो मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन दिस ईयर, ठीक, तो इन दिस ईयर नहीं, इन दिस हाउस, ठीक, सॉरी, मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में मिस्टर शर्मा रह चुके हैं। मिस्टर शर्मा सिंपल सिंगुलर थे इसलिए हैज लगाया गया है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होता तो परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, और वो आपका थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है। तो दूसरा है द एमएलए हैज नॉट और विलेज सिंस द लास्ट इलेक्शन विजिट, ये आपका जो मेन वर्ब है विजिट है, विजिट का मतलब कहीं जाना होता है, मिलना किसी से, तो इसका मतलब द एमएलए हैज नॉट, एमएलए एक है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉर द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हैज नॉट का ये निगेटिव है तो हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, आपको पता है, तो ये हैज नॉट हो गया। फिर और विलेजेस, तो विजिट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका विजिटेड, ठीक, चूंकि वो आपका थर्ड फॉर्म हमने लिखना है तो हमने लिख दिया वो आपका थर्ड फॉर्म। और विलेजेस देखिए, सिंस और फॉर में हम आपको बता रहे थे, अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, सिंस द लास्ट इलेक्शन मतलब जो पिछला वाला जब चुनाव हुआ था तभी आए, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जो पिछला चुनाव था तभी आए हमारे गाँव में, तब से अभी तक एक बार भी नहीं आए, मतलब द एमएलए हैज नॉट विजिटेड आवर विलेज सिंस द लास्ट इलेक्शन, पिछले वाले चुनाव पर आए थे पर अब नहीं आए हैं, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगा हुआ है जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि सिर्फ पिछले चुनाव को आए थे, अभी तब से अब तक नहीं आए हैं। अगला है, हैव यू एवर अ वाइट एलिफेंट, तो जो मेन वर्ब है वो सी है और सी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है शा होता है और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता क्या होता है, शीन होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीन भर दिया। हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सिर्फ इसने क्या पूछा है कि हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट, क्या आपने कभी भी सफेद हाथी देखी है,
आप कह सकते हैं नो या यस, जो भी आप कहेंगे तो वो एक मतलब एक वर्ड में आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव वाले वो ऐसे ही बनते हैं। हेल्प यू आपसे, हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट, ठीक। तो ये इस तरीके से बन जाता है। और देखिए, ठीक, तो देखिए वी हैव नॉट, अगला जो है वी हैव नॉट अ हॉलीडे फॉर 5 years। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अच्छा हम ये कर लेते हैं, हैव आ गया है, यहाँ पर भी हैव आ गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या हैव हैव दो आ गया तो अब हम लोग क्या करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप ये देख के चलिए कि ये क्या है, हैव है, और ये किसके किसके रूप में यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब। मेन इसका मतलब होता है रखना होता है या पास होना होता है, रखना। तो वह हैव, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। और हैज जब हम यूज करते हैं, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म हैज हो जाता है, रखने रखने वखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हैव है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हैड, आपको पता है जो पास्ट में यूज होगा। तो वर्ब थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा हैड, रखना या टेकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी हैव नॉट हैड, ठीक। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये मेन वर्ब है, मैं फिर से बता दूं, ये मेन वर्ब की तरह है, रखना होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये मैं एक कार रखता हूँ, तो वो मेन वर्ब की तरह, एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो देयर इज ऑल्सो द हैव इज बींग क्रिएटेड एज अ मेन वर्ब, एक मेन वर्ब की तरह इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका बिहेवियर है, तो इसलिए हम लोग इसका थर्ड फॉर्म हैड लगा देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होगा सर हैव आ गया है तो हम क्या करें, तो सो डोंट वरी, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, ठीक है। द ट्रेन हैज जस्ट डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है कहीं के लिए जाना, यानी कि प्रस्थान करना, तो ये इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपार्टेड। ट्रेन है जस्ट डिपार्टेड, ट्रेन तो अभी अभी बस निकली है, ट्रेन छूट गई, यू आर लेट, थोड़ा सा लेट हो गया वरना आप ट्रेन पा जाते। द ट्रेन है जस्ट डिपार्टेड, ट्रेन अभी अभी क्या है, छूटी है, ठीक है। अगला जो है, यू नॉट योर होमवर्क टूडे डू, अब आप सोचेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है, तो ये आपका तो मेन वर्ब की तरह है, मतलब इसका ट्रीटमेंट जो बिहेवियर है वो मेन वर्ब की तरह है, तो जो आपका हैव लगेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कौन सा लेंगे, परफेक्ट वाला, तो ये आपका हो गया हैव। अब आप सोचेंगे सर आपने हैव क्यों चूज सुन लिया, हमने इसलिए इसको सेलेक्ट किया कि आप गौर करें, नोटिस करें कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये है प्लरल। अब अगर ये प्लरल है तो इसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी गोना यूज हैव, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, सॉरी प्लरल, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लरल है, तो यहाँ पर हमने हैव यूज कर लिया। आगे ये नेगेटिव है तो नॉट भाई ऑलरेडी लिखा गया है। तो फिर डू, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, तो ये हमने क्या करा है, लिख दिया यू हैव नॉट डन योर होमवर्क टूडे, ठीक है। आज आपने क्या है कि ये शॉर्ट फॉर्म भी इसका है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो यू हैव नॉट डन योर होमवर्क टूडे, आज आपने आपका होमवर्क आपने नहीं करा है, तो ये नेगेटिव वाला था। तो यहाँ पर वी है नॉट दीज बुक्स फॉर 2 hours, ये आवर्स का हमने मतलब जो आर्स आप पढ़ते हैं कई घंटों वाला, तो ये HRS हमने लिखा, क्योंकि ये प्लरल था, दो था, तो इसलिए हमने आर्स लिख दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आर्स का, ठीक है, फॉर 2 hours। तो रीड हमारा ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम रीड लिख देते, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, तो आप गौर करें रीड का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही होता, सिर्फ पढ़ने में जैसे रीड रेड रीड, ठीक है, तो ये हम पढ़ते रेड पढ़ देते हैं, तो ये पढ़ने में डिफरेंट होता है, बस बाकी सेम होती है स्पेलिंग। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। अब वी, अब अगर वी है प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा प्लरल सब्जेक्ट है, और प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, तो ये हम यूज कर लेते हैं, हैव यूज करते हैं। वी हैव नॉट रेड दीज बुक्स फॉर 2 hours, हमने 2 घंटों से ये थोड़ी ना पढ़ा, 2 घंटों में ये पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये फॉर 2 hours ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे का कुछ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, इसीलिए हमने क्या लगाया, फॉर लगाया। यहाँ पर वो सिर्फ लास्ट इलेक्शन की बात हो रही थी, पिछले इलेक्शन की, इसलिए हमने क्या करा, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यहाँ यूज है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे का एक ड्यूरेशन होता है, इसलिए हमने फॉर यूज किया है। आई होप ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देखें, उनको भी बेनिफिट हो, साइंटिफिक होगा।